हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हर्षिता। और अभी देखिए, आई थिंक शाम हो गई है। हाँ, ये देखिए शाम का समय हो गया है, 7 बज रहे हैं। एक साइड आपको मेरा फ़ोन चार्ज होता हुआ दिखाई देगा और मैंने इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं आपको दिखाने के लिए, जिसमें हर्षिता का बेड तैयार किया है और लंच क्या बनाया था आज हमने वो, और कुछ ना कुछ आपको वीडियो इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए हर्षिता फुल एंजॉय करती है पीछे आते आते, ये देखिए इसको बहुत मजा आता है। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह से वीडियो में आना। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो क्या है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सब्जी बना रही हूँ मैं, जिसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लिया है मैंने। इन सबको मैंने चॉप कर लिया है और ये झटपट बनने वाली सब्जी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई में बस थोड़ा सा तेल डालेंगे, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा फिर उसमें हम जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो जीरा ना भी डालें तो भी सब्जी का टेस्ट एज इट इज आता है। तो अभी तेल गरम हो रहा है, ये मेरे पास छोटी छोटी 2-3 कढ़ाई ऐसी हैं जिनको मैं, जब मुझे थोड़ा आइटम बनाना होता है तब यूज़ करती हूँ। तो अब इस तेल गरम हो गया, अब इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। अब जीरा अच्छे से तड़क चुका है, अब इसमें मैं पहले प्याज डाल दूँगी और थोड़ी सी देर इसको भूनूंगी प्याज को। यहाँ पर फ्रेंड्स प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हल्का सा प्याज भुन जाए, थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाए उसमें, तब उसके बाद आप इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए अपनी कटी हुई और फिर उसको भी थोड़ी सी देर के लिए भून लीजिए। अब प्याज और शिमला मिर्च थोड़े भुन चुके हैं, अब बारी आती है टमाटर की। तो अब टमाटर भी मैं इसमें डाल दूंगी और सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा, थोड़ी सी देर हम इसको भी इन दोनों के साथ भूनेंगे। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें नमक डाल दूंगी, जो सबका अपने अपने स्वाद के अनुसार होता है, और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी ताकि सब्जियां जल्दी गल जाएं। अब इसमें बेसिक मसाले डालूंगी, जो कि हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। ज़्यादा मसाले डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये इतने से ही मसालों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस समय जब मैं इस सब्जी को बना रही थी, इसकी खुशबू से पूरा किचन महक गया था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस सब्जी की। बस अब इनको थोड़ा सा और पकाना है हमें, ताकि मसाले भी उसमें भुन जाएँ अच्छे से और सब्जी का भी टेस्ट इन्हेंस हो जाए। तो ये आज की हमारी लंच की थाली तैयार हो गई है, जिसमें ये मैंने जो सूखी सब्जी बनाई है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज की और बूंदी का रायता और रोटी। तो ये है आज का लंच। लंच
लंच करने के 2 घंटे बाद अब मैं हर्षिता के लिए एक बनाना कट करी हूँ और उसमें नमक और चाट मसाला डाली हूँ। हर्षिता को इस तरह बनाना खाना अच्छा लगता है। और फिर ये आपने मेरे पास फोक स्टैंड देखा होगा, डाइनिंग के ऊपर मैं हमेशा रखती हूँ इसे, तो ये जो फोक है ये फ्रूट फोक की तरह ही इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर वाली इसमें लगा दी है और ये कितनी सुंदर लग रही है, इस पर बर्ड भी बनी हुई है। फ्रेंड्स अब इवनिंग की चाय का टाइम हो गया है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी दाल भिजे ले रही हूँ, कटोरी में डाल रही हूँ और साइड बाय साइड मैं अपनी चाय बनाऊँगी और दूध बॉयल करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हर्षिता के रूम में चलते हैं। यहाँ पे कई दिन हो गए थे तो मुझे डस्टिंग और जाले वगैरह उतारने थे, डस्टिंग करनी थी, तो अभी मैं जाले उतारने लगी हुई हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले मैं पूरे रूम के खिड़की के और वार्डरोब के आसपास हर जगह जो है एक बार इस जाला उतारने वाले को एक बार लगा दूँगी ताकि उससे जितने भी जाले इधर उधर लगे होंगे वो हट जाएंगे। वार्डरोब हर्षिता की ही है और इसमें सारे हर्षिता के ही कपड़े रहते हैं। सारे जाले उतार दिए मैंने रूम के, अब मैं फ्लोर पे झाड़ू लगा दूंगी सारे में। इस रूम में एक ये दूसरा गेट है टॉयलेट साइड का, इसको हम परमानेंटली बंद रखते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो हर्षिता ने इसको भी डेकोरेट कर दिया है। हर्षिता के पास एक ये बटरफ्लाई का सेट रखा था तो हर्षिता ने पूरे इसको इसको लुक देने के लिए अच्छी सी यहाँ पे इसको लगा दिया है। ये जो वॉल स्टिकर मंगवाए थे मैंने, ये एक्स्ट्रा रखे हुए थे हर्षिता के ही रूम में लगाने के लिए, तो इनको भी इस रूम के स्विच बोर्ड्स के ऊपर लगा दिया है। काफ़ी सारे टेडी रखे हुए थे हर्षिता के रूम में, तो मैंने उसके लिए एक ये चीज़ सोची कि कॉर्नर में एक नेल लगा के और जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ इस तरह से मैं सभी टेडीज़ को हैंग कर दूँ, क्योंकि वो सब इधर उधर पड़े रहते हैं नहीं तो। उसके लिए सबसे पहले मैंने वॉल के कॉर्नर पे एक नेल लगाई और उस पर एक रोप लगाई और उस रोप के साथ इन टेडीज़ को पिनअप कर दिया है। Thank you.
देखिए अब कुछ इस तरह से ये सारे टेडीज दिखाई दे रहे हैं लगने के बाद। अगर फ्रेंड्स आपको भी ये टिप अच्छी लगे तो आप भी अपने बच्चों के रूम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर्षिता के रूम के मेन डोर पे हर्षिता ने ये सिंड्रेला की एक फोटो लगा रखी है। ये हर्षिता का अभी बेड है, सिंपल सा ही है अभी, तो इसी को मुझे अभी सेट करना है, एकदम फैला हुआ है और इस पर बेडशीट लगानी है। अभी फ्रेंड्स जो भी टैडीज़ वगैरह पिल्लो वगैरह जो इसमें रखे हैं वो सब मैं हटा लेती हूँ, यहाँ से उठा लेती हूँ और पहले गद्दों को थोड़ा सा मैं झाड़ लूँगी, फिर उसके बाद इस पर बेडशीट बिछाऊँगी। हर्षिता का बेड रेडी हो गया है, उस पर बेडशीट बिछा दी है। और ये एक और ये हर्षिता के पास एक डॉग है जो बहुत क्यूट है, हर्षिता को बर्थडे गिफ्ट में मिला था। एक कुशन की ही उसके पास पेंसिल और एक दो और सॉफ्ट टॉयज, उसका पिल्लो और एक और पिल्लो अब मैं साइड में रखूँगी। तो बस ये हर्षिता का कम्प्लीट बेड रेडी हो गया है। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करिएगा।